अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि लाइफ में मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है? पहले लगता था, अब नहीं लगता ना? और ऐसा कितने लोगों को लगता है कि एक बार प्यार हुआ फिर वो बंदा चला जाता है, फिर आपको दोबारा प्यार होता है, आपको लगता है शायद ये नहीं जाएगा, फिर वो भी चला जाता है, फिर आपको तीसरी बार लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, लेकिन वो भी चला जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है? तो मैं एक दिन ऐसी धूप में बैठ के सोच रही हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी आ रहा है लाइफ में जा रहा है। इज इट समथिंग रॉन्ग विद मी? या पूरी दुनिया ही पागल हो गई है, किसी को प्यार करना ही नहीं आता? तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे वाटर साइकिल होती है ना, कि पानी पहले इवेपोरेट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वैसे ही एक लव साइकिल होती है। एंड इवेंचुअली मैंने वो लव साइकिल डिकोड कर ली। उसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मोहब्बत छन के किरणों सी जब जीवन में आती है, साझा कर वो धातु से दिल को गुदगुदाती है। उस बिन दिल नहीं लगता, दिन दिन सा नहीं लगता, रातें दिन हो जाती हैं, मोहब्बत जब जिंदगी में आती है। फिर एक दिन बादल आते हैं, जमकर गड़गड़ाते हैं, बारिश भी नहीं होती, सब सूखा सा लगता है, आंखें भीग जाती हैं, मोहब्बत रूठ जाती है। अब मोहब्बत कांप उठती है, बहती नदियां सी मोहब्बत थर थराती है, कभी चट्टानों से टकराती, कभी दरिया की हो जाती, रंग रंग में ढलती मोहब्बत खिलखिलाती है। फिर एक दिन फिर तूफान आता है, मोहब्बत फिर उफनती है, मकाने दिल को वो अक्सर बहा करके ले जाती है, मोहब्बत रूठ जाती है। अब उसे पहचान नहीं पाती, कोई दस्तक भी हो तो जिम्मेदारी सी लगती है, छाती जाम है बिल्कुल, सर्दी जिस्म छूती है, अगर रूठना ही है तो मोहब्बत फिर क्यों होती है? मोहब्बत फिर क्यों होती है?